स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ब्लॉक चुनाव में बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। बीजेपी ने 356 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त हासिल करी है। एसपी के खाते में मात्र 25 सीटें आई हैं और अब अन्य प्रत्याशी जो थे उनके पास 24 सीटें आई हैं, यानी एक बड़ा मार्जिन है। 356 सीटें जीती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ 25 समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब आपको यूपी ब्लॉक चुनाव में हिंसा की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के चंदौली में बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, वो तस्वीर है। पहली तस्वीर, दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। कानपुर में देहात में भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई है। मलासा ब्लॉक में वोट डालने जा रहे दर्जन भर बीडीसी के साथ मारपीट की गई और दबंग पुलिस के सामने ही उन्हें किडनैप कर लिए गए। झड़प में दोनों तरफ से इसे पसंद चले। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सिर्फ चंदौली और कानपुर तक तो सीमित नहीं है। लगभग ऐसे 20 जगह की तस्वीरें हैं जहां पर इसी तरीके का मंजर सामने आया है। या तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े हैं या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थक और पुलिस में झड़प हुई है। यानी झड़प हर जगह हुई है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एसपी और बीजेपी समर्थक भिड़े हैं। जी हाँ, ये पहली तस्वीर है चंदौली की और दूसरी कानपुर देहात की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कई जगह पर तमाशबीन बनी रही, पुलिस ने एक्शन ले लिया और कई जगह पुलिस और जो पॉलिटिशियंस थे उनके बीच में भी झड़प हुई है और पुलिस को भी चोट आई है। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चंदौली और कानपुर की हम दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधा सीधा मुकाबला था ब्लॉक प्रमुख चुनाव में और समाजवादी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो ठीक नहीं थी, पुलिस का और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। अब एक बड़ा पैनल भी होगा अगले एक घंटे तक ये समझने के लिए कि आखिर यूपी में ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव है उसका क्या मतलब है। एक बार सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमसे जुड़ रहे हैं। विजय, जो अभी डेटा आ रहा है उसके चलते 300 प्लस सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर रही है, 25 समाजवादी पार्टी के खाते में है और 25 अन्य के खाते में। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतलब क्या है? क्या इसको सेमीफाइनल माना जाए 2022 से ठीक पहले का आखिरी चुनाव? पहला। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी सिचुएशन खराब कैसे हो गई इन चुनाव में? विजय, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतलब है कि ये प्रधानी के से रिलेटेड चुनाव होता है। प्रधान चुनाव के दौरान जो बीडीसी सदस्य होते हैं वो पहले जनता के जरिए से चुने जाते हैं और फिर बीडीसी सदस्य जो हैं वो ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख को लेकर के यहाँ पर हालांकि पहले भाजपा की तरफ से कहा गया था कि कोई भी सांसद मंत्री या कोई भी भाजपा नेता जो है उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन जिला पंचायत तक तो ये नियम था, लेकिन उसके बाद ब्लॉक प्रमुख में इस नियम में बदलाव किया गया और आखिरी समय पर भाजपा ने यह कहा कि नहीं, कोई भी सांसद मंत्री या उनका लड़का जो है उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ सकता है। और उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है वो काफी ज्यादा दुरू हुई है, क्योंकि जिला पंचायत में तो जाहिर सी बात थी कि स्थिति एक अलग से बनी हुई थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के नामांकन से लेकर के नाम वापसी और आज चुनाव को लेकर के बिल्कुल ये पहले से तय था कि इस पूरे चुनाव के दौरान काफी कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। और ये चीज विजय, कल जो तस्वीरें थी और जो तीन चार दिन से तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। कई पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है और ये सिर्फ चंदौली और कानपुर देहात तक नहीं है, कितने जिलों में इस तरीके की झड़प की तस्वीरें आपने देखी? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चंदौली या फिर वाराणसी या फिर कानपुर देहात तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी जिला ऐसा अछूता नहीं है जहां पर घटनाएं ना हुई हो, जहां पर इस तरह से मारपीट ना हुई हो, जहां पर बीडीसी सदस्यों के साथ में घटना ना हुई हो, जहां आपस में पुलिस के सामने हाथापाई ना हुई हो, मारपीट गाली गलौज आदि ना हुआ हो। हालांकि ये जरूर था कि ये पहले से पता था प्रशासन को कि इस तरह की घटनाएं होंगी, अतिरिक्त पीएससी बल भी लगाया गया था, लेकिन ये चीज बिल्कुल तय था कि इसके बावजूद भी घटनाएं
जरूर होनी है और घटनाएं हुई भी हैं और काफी ज्यादा कहा जा सकता है कि आक्रामक तरीके से घटनाएं हुई हैं और पुलिस के सामने घटनाएं हुई हैं। उन्नाव की घटना तो सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली थी कि जब वहां पर खुद अधिकारी जो है वो पार्टी मतलब एक पार्टी की तरफ से वहां पर मारपीट करना शुरू कर दिए, वो काफी शर्मसार करने वाली घटना है। जो वीडियो है वो काफी ज्यादा दिल हिलाने वाला है कि वहां पर खुद वहां के सीडीओ साहब जो हैं वो मारपीट करते हुए नजर आए हैं। तो बिल्कुल यहां पर ये बिल्कुल तय था कि ये शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ पूरी तरह से चुनाव होता है, इसमें पहले से ही जो एक शासन प्रशासन का जो दबाव होता है वो जरूर रहता है, लेकिन इस तरह से घटना होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जिस तरह से नामांकन शुरू हुआ, नामांकन के बाद पर्चा वापसी का दिन था और आज वोटिंग का दिन था, हालांकि इस समय मतगणना हो रही है, जो जीत हार का जो समीकरण है वो बनना शुरू हो गया है, जो घटनाएं थी वो इस समय तो हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी पुलिस के सामने चैलेंज ये होगा कि जीतने के बाद जो जुलूस निकलेगा उसको पुलिस कैसे रोकेगी, उस पर पुलिस इस पर नजर बनाए रखिए। और उत्तर प्रदेश सेंसिटिव है, लगातार जो ये चुनाव है ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आखिर ग्राउंड पर क्या हो रहा है। हालांकि जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की है वो उस पर सवालिया निशान है। मुझे लगता है जो विपक्ष के नेता इस पैनल में बैठेंगे वो सबसे बड़ा सवाल इसी पर उठाएंगे कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई उत्तर प्रदेश में। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है और आगे बढ़ रही बीजेपी। कुछ लोग बीजेपी को इस जीत के लिए 2022 के चुनाव में भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन आज वोटिंग के दौरान यूपी के कई शहरों में जमकर हंगामा हुआ, गोली चली, प्रत्याशियों को बंधक तक बनाया गया, लाठी डंडे चले और बीजेपी और एसपी के नेता आपस में टकराए। 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अमरोहा में बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पुलिस ने एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। हमीरपुर में भी एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, यहां बीजेपी समर्थकों ने जमकर गुंडागर्दी करी और एसपी कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की। अयोध्या में चुनाव के दौरान हिंसा हुई, बीजेपी एसपी कार्यकर्ताओं आपस में भिड़े। बलिया, चंदौली और जौनपुर में भी चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं ने आपस में जमकर मारपीट की है। आपकी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें, अमरोहा, हमीरपुर, अयोध्या, बलिया, चंदौली, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। जी हां, ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में चुनाव आने वाला है, 7 से 8 महीने बाद चुनाव होना है, 2022 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और माना जाए सेमीफाइनल है। सीधे अपने पैनल की तरफ आपको लेके चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त राकेश त्रिपाठी मौजूद है, साथ ही साथ प्रवक्ता है बीजेपी के अंशु अवस्थी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। ये दो मेहमान हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत राकेश जी आप ही से करूंगा। राकेश जी, 370 के आसपास पे बढ़त है आपकी, मान लिया, लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने 8 तस्वीरें दिखाई, थोड़ी देर में हम 16 और 32 तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में? अवस्थी जी, राकेश जी, राकेश त्रिपाठी सवाल अवस्थी जी से है या राकेश त्रिपाठी से? राकेश त्रिपाठी जी आप ही से सवाल है, उसके बाद जवाब लूंगा। अंशु अवस्थी जी तो बिल्कुल इंतजार करेंगे बोलने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कितना फेल हुआ है, लेकिन मैं पहले आपसे समझना चाहता हूं, ये डायरेक्ट चुनाव नहीं था और ठीक है चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो विचलित करने वाली है। राकेश त्रिपाठी, देखिए ये चुनाव डायरेक्ट चुनाव नहीं था ऐसा कहना ठीक नहीं है, इस चुनाव के पहले डायरेक्ट चुनाव हुआ है। डायरेक्ट चुनाव से कुछ प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिन प्रतिनिधियों के द्वारा ये इनडायरेक्ट चुनाव किया जा रहा है, लेकिन इसमें वोट डालने वाले लोग सब निर्वाचित लोग हैं। मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ और हर्ष के साथ, खुशी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पंचायत के चुनाव में, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो आज बीडीसी के ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हो रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता पाई है और मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों पर मुहर लगी है। लेकिन हताश निराश समाजवादी पार्टी ने अराजकता का सहारा लेने का काम किया है, हार की निराशा से परेशान होकर के समाजवादी पार्टी ने स्थान स्थान पर गुंडई करना शुरू किया है। इस बात को इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि जब जिला पंचायत के परिणाम आए हैं, जिस दिन पंचायत सदस्य चुने गए या बीडीसी सदस्य चुने गए या ग्राम प्रधान चुने गए, तब उत्तर प्रदेश में तब तक कहीं कोई हिंसा नहीं थी, लेकिन जब उनके परिणाम सामने आए हैं और परिणामों में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है, तो हताश समाजवादी पार्टी अपने मूल चरित्र पर लौट आई है और गुंडई करके चारों तरफ अराजकता फैला करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को जो रंग है उसको बदरंग करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मैं अंशु अवस्थी के पास जाऊं, मैं समझना चाहता हूं सर, पुलिस आपके पास है, डीएम आपके पास है, एसडीएम आपके पास है, देहात एसपी आप ही के पास है, सब कुछ आपके पास है, तब ये तस्वीरें कैसे आ गई?
देखिए मैं इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आपने उत्तर प्रदेश के पहले चुनावों को भी देखा है किस तरह से चुनाव में हिंसा होती रही है, लेकिन हमने आज चुनाव की हिंसा को अगर पिछले हिंसाओं से तुलना करके देखेंगे तो हिंसा में काफी कमी है, लेकिन एक भी हिंसा का हो जाना यह चिंताजनक है। जी कैसे उत्तर प्रदेश के पुलिस पर जिम्मेदारी भी तय की, मेरा कुर्ता आपके कुर्ते से ज्यादा सफेद है। राकेश जी आप कैसे कंपेयर कर देंगे कि पहले हिंसा ज्यादा थी, ये दूसरी सरकार है, 300 प्लस वाली सरकार है, ये कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत है। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से गलत होगा कि ये कंपेयर करें कि 5 साल पहले इतनी हिंसा थी आज इतनी हिंसा है। बिल्कुल हिंसाओं का कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत है, पॉलिटिकल आउटफिट के नाते आप कर सकते हैं, ठीक है। अंशु अवस्थी जी 375 प्लस बात केवल इतनी बात जोड़ दूं, केवल एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं। देखिए क्या है, राजनीतिक दल के संस्कार अगर नहीं बदलेंगे, राजनीतिक संस्कृति अगर हिंसा की होगी तो फिर कोई सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये पहल सभी राजनीतिक दलों को मिलकर करना होगा। जब राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे हिंसा के लिए तो इस हिंसा को रोकना प्रशासन के बस की बात नहीं होती है, ये जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों को सबको मिलकर लेनी होगी। ये बहुत दुखद है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में, इस पर्व में अपनी हार या जीत को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आपने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया और अब ओपन फोरम आपने दे दिया कि भाई जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता सामने आए वो इन सब चीजों को रोके। अंशु अवस्थी जी हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंशु, पहली बात, कांग्रेस की कोई टैली दिख नहीं रही है, ऐसा क्यों? दूसरी बात, हिंसा पर आपका वक्तव्य। अंशु देखिए, जो ब्लॉक चुनाव में नॉमिनेशन में जिस तरीके की घटना हुई, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी मोरल ग्राउंड की बात करती है कि सबको मिलकर सहभागिता करनी होगी, लेकिन वो लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं। मुझे याद है कि श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय उनके साथ में प्रमोद महाजन जी हुआ करते थे, उन्होंने उनसे कहा कि कुछ सांसद मिल सकते हैं लेकिन हमको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। अटल बिहारी ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और आज भारतीय जनता पार्टी कहां पर पहुंच चुकी है, जो लोकतंत्र की दुहाई देने की बात करते थे वो लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारे। सभी ने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, विपक्ष के नेताओं को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं दिखती नहीं, किस तरीके से चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को गोली कट्टा बारूद दे रही है, चाहे वो इलाहाबाद की घटना हो, लखीमपुर की हो, सीतापुर की हो, क्या उसी तरीके से आप विपक्ष चाहते हैं, क्या विपक्ष भी उसी तरीके से गोली कट्टा बारूद लेकर चले। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, राकेश त्रिपाठी भी अधिवक्ता हैं, मुझे लगता है इस बात को वो समझेंगे, इस देश इस प्रदेश में कानून का शासन नहीं है। अगर कानून का शासन होता वो गुंडे किसी भी पार्टी के होते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं जतिन सिंह, किसी भी पार्टी के गुंडे होते, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना ये सरकार की और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी जिसमें वो बुरी तरीके से फेल हुए। आज गांव में आक्रोश है, परसों की जो घटना है उसको लेकर गांव में आक्रोश है कि हमने वोट तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था, लेकिन बन के कौन वहां पर ब्लॉक रूम बैठ रहा है, बन के भारतीय जनता पार्टी बैठ रही। तो लोग जब नाराज है, जनता जब नाराज है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का चीरहरण करके उस सत्ता को लूटने की कोशिश कर रही है? जिस तरीके से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, यानी ये पता चलता है कि बीजेपी के पास आज कुछ भी 4.5 साल की उपलब्धियां कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में बताने। ठीक है अंशु, आज मैं मान गया, आपने कह दिया साहब इस तरीके का चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ पाएगी, मान गया। हमारे साथ दो खास मेहमान और भी हैं, अनुराग भदौरिया है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, साथ ही साथ शांतनु गुप्ता है वरिष्ठ पत्रकार। अनुराग जी आपके पास आता हूं, अनुराग जी टैली में तो बीजेपी बहुत आगे निकल गई है, आप 25 के पास है, वो 375 के पास है, और अब आपने ज्वाइन किया उसके पहले राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इसको उकसाया, समाजवादी पार्टी ने ही ये सब मंजर क्रिएट किया। साथ ही साथ उन्होंने कंपेयर किया कि आप पिछला वाला ब्लॉक प्रमुख वाला चुनाव निकाल लीजिए, उस हिंसा से ये हिंसा छोटी है। अनुराग, मैं तो भाई चैलेंज के साथ कहता हूँ निकाल ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। बताइए किस महिला की साड़ी वहां पे खींची गई थी, नाम बताइए। ये बताइए कि जिस तरह से आज इटावा में देखने को मिला कि गोलियां चल रही हैं, पुलिस गोली चला रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़ रही है कि आप हट जाओ। अगर ये कार्यकर्ता समाजवादी के होते तो NSA लगा के जेल भेज दिए गए होते, जिनके सामने वो नतमस्तक थी ये पुलिस। और प्रयागराज में जिस तरह BTC को आपने वीडियो देखी है, वायरल है, कहो मैं भेज दूं आपको,
दिन दहाड़े कैसे अपहरण कर रहे हैं, उसको गाड़ी में घुसा रहे हैं। पहले की कोई ऐसी घटना दिखा दीजिए जो गाड़ी में बीटीसी को अपहरण करते नजर आ रहे हो, गोली चल रही हो और वहां पे एसपी को थप्पड़ लगा हो, एसपी हाथ जोड़ रहा हो कि भैया पीछे, उसके बावजूद भी पीछे हट जाने की बात करता हो। सीतापुर में जिस तरह से गोलियां चली, लखीमपुर में जिस तरह से महिला के साथ अन्याय हुआ और जिस तरह से साड़ी नोची गई, घटना दिखाइए आप। उत्तर प्रदेश को आज जंगल राज और गुंडा राज में कन्वर्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र हो चुके हैं सत्ता के नशे में। उनको लग रहा है कि सत्ता आनी चाहिए किसी कीमत पे आए, वो जनता की चिंता उनको नहीं है। कोई मरती है मर जाए, महिला का सम्मान जा रहा है चला जाए, अगर किसी की हत्या हो रही है हो जाए, कोविड काल में लोग मर गए मर जाए, महंगाई बेरोजगारी से आत्महत्या करते कर रहे हैं, लेकिन सत्ता का चाहिए। मैं सत्ता के नशे में अंधा हूँ, मुझे किसी कीमत पे सत्ता चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी गोली चलानी पड़े या अपहरण करना पड़े। राकेश त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कीजिए, आरोप आप ही पे है, धृतराष्ट्र हो गए। राकेश त्रिपाठी जी रिस्पॉन्ड कीजिए, अनुराग भदौरिया को। हम जीत गए, अगर आप जीत गए सत्ता के नशे में, अनुराग भदौरिया जी को पहले शांत करा लीजिए, मैंने चुपचाप इनकी बात सुनी। 2022 में अनुराग भाई आपको आके बताएगी कि जनता के साथ जो आपने अपमान किया, जो महिलाओं का चीरहरण किया है, इसका बदला नारी समाज भी लेगी, और जो आतंकवाद आपने समाज के अंदर फैलाया इसका इसकी जनता भी लेगी। जिस तरह से आपको पंचायत में जिला पंचायत सदस्य हरा के लिया था, उसी तरह से आपको विधानसभा में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अधर्मियों का नाश होगा, चिंता मत करो, यहाँ अधवंशी कृष्ण अभी बाकी है जो अधर्मियों का नाश करेंगे। अनुराग आपने एक आरोप लगाया है, कम से कम जवाब ले लीजिए। यहाँ पे जनता का अनुराग, एक मिनट अनुराग, एक मिनट। राकेश त्रिपाठी देखिए, धृतराष्ट्र की भूमिका उन्होंने दी, कहा साहब आपके पास कोई विजुअल हो वैसी महिला की, जिस तरीके का चीरहरण हुआ है आप दिखा दीजिए, जिस तरीके से अगवा किया गया है कोई विजुअल हो दिखा दीजिए, उनके पास साफ सब कुछ है, आप कहेंगे तो अभी मोबाइल पे अनुराग जी दिखा भी देंगे। राकेश त्रिपाठी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सबकी स्मृतियों में सबके जेहन में सुरक्षित होगा, और आपके यहां रिकॉर्ड फाइल में भी सुरक्षित होगा। आप जब चाहेंगे तब उसे दिखा देंगे कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड में इस देश की बड़ी दलित नेता मायावती जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया था। और यह समाजवादी पार्टी आज कह रही है, अगर कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लखीमपुर जैसी घटना होती तो समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान होता कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया है कि लखीमपुर की घटना एक शर्मनाक घटना है, और उस घटना में हमने आइडेंटिफाई किया है, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। जिन पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही थी, जिनकी जवाबदेही थी कि उस महिला की अस्मत को सुरक्षित रखा जाए, उसके साथ किसी अभद्रता न होने पाए, उन पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सीईओ समेत पूरे थाने को सस्पेंड करने का काम किया है। हम अपराधियों को बख्शने वाले नहीं है, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है ऐसा कहकर प्रोत्साहित करने वाले नहीं है। अब महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अपमान क्या होता है, यह समाजवादी पार्टी से सीखने की जरूरत है। जिस तरह का गुंडागर्दी आप लोगों ने की है ना, एक एक व्यक्ति कैमरे में आइडेंटिफाइड है, कैमरे में कैद है, और सबके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, और विलाप करने का अवसर भी नहीं देंगे आपको हम। आपको विलाप करने का अवसर भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मान लिया राकेश जी, मान लिया। भदौरिया साहब, गेस्ट हाउस कांड की इन्होंने चर्चा करी है पहला, दूसरा उन्होंने कहा है कि जितने लोग जिम्मेदार थे, जो पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अनुराग जी, ठीक है कुछ आ रहा हूं अनुराग जी, कुछ अब ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, आप ही से जवाब लूंगा, क्योंकि राकेश जी ने गेस्ट हाउस कांड और कहा है कि हमने पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड किया है, ऑडियो में दिक्कत है, आ रहा हूं अनुराग जी। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी भी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर एक चीज समझना चाहता हूं, 22 में चुनाव है, क्या जो आज की फिगर्स है, जो कि ये डायरेक्ट पब्लिक का चुनाव नहीं है, क्या इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जाए, क्या मिरर ऑफ योगी गवर्नमेंट देखा जाए, इस चुनाव को कैसे लेते हैं आप सर? शांतनु सर, देखिए आपने कहा कि ये डायरेक्ट चुनाव नहीं है, लेकिन जो बीटीसी मेंबर चुन के आए हैं, जो जिला पंचायत मेंबर चुन के आए थे, वो डायरेक्ट चुनाव था। करीब 12.5 करोड़ ग्रामीण जनता ने वोट किया था, तब आए थे। करीब 75,000 बीडीसी बने और वो 825 ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव कर रहे हैं, तो वो पहले डायरेक्ट चुनाव हो चुका है। हाँ। उसमें बहुत सारा झूठ कहा गया कि हम जीत गए। हाँ, ये पार्टी सिंबल में नहीं होता तो कोई भी क्लेम कर सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बैठ के कह रही थी हमने 250-300 सीट जीत ली, तो कोई भी कुछ बोल रहा था, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में बिल्कुल साफ हो गया कि कौन सी पार्टी जीती है और किसके अध्यक्ष बन पाए हैं, और वही खींच उतारने के लिए वो ब्लॉक प्रमुख में अपना चेहरा बचाने के लिए ये सब दंगा कर रहे हैं। देखिए, जब से मुलायम सिंह यादव ने बड़ी राजनीति बनाई थी
अखिलेश यादव ने उसको छीन लिया, पार्टी तोड़ दी और 2012 के बाद से आप देखिए कोई चुनाव नहीं जीते हैं। 2014 का लोकसभा का इलाहाबाद बुरी तरह हारे, 2017 का विधानसभा का चुनाव बुरी तरह हारे, 2017 में ही नगर निकाय के चुनाव हुए, 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 14 भाजपा जीती, 2 बसपा जीती, सपा निल। 2019 में 5 सीटें बस अपने अपने परिवार की सीटें, फिर पंचायत चुनाव आते हैं, 5 सीटें जीतते हैं, 5 जिला पंचायत बनाते हैं, वो भी यादव परिवार से बस। तो अगर ऐसी राजनीति जो मुलायम सिंह यादव की बड़ी राजनीति थी उसको अखिलेश यादव ने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया, अब बौखलाहट दिखा रहे हैं, अभी कह रहे हैं नामांकन नहीं फाइल कर सर, हम आ जाएंगे, तो हम आ जाएंगे। अखिलेश अखिलेश शांतनु जी, सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, 5 सेकंड और दे दीजिए सर, सर 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 एक मिनट, एक मिनट, 20 मिनट रुक रहा हूँ शांतनु सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसके जो रिजल्ट होंगे इसका रिफ्लेक्शन 2022 में कैसे देखते हैं आप, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। जी बिल्कुल, देखिए अगर 12.5 करोड़ लोगों ने, जो अर्बन लोगों ने, जो जो रूरल लोग हैं उन्होंने अगर एक भाजपा में अपना मत दिखाया है और अर्बन बॉडी के इलेक्शन में भी दिखाया था, तो अर्बन में भी भाजपा ने 14 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीती थी, अब वो ब्लॉक प्रमुखी में भी जीत रहा है, वो जिला पंचायत में दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन दिखेगा। और 14 और 19 के जो लोकसभा इलेक्शन है वो तो हमारे सामने है, तो अगर 7-8 साल के 5 चुनावों में सपा बसपा 17-15% की पार्टी बनकर रहती है, भाजपा 40-50% की पार्टी बनकर रहती है, तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन क्लियर है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो ये कहा जा रहा है कि नामांकन फाइल नहीं करने जा रहा, 825 ब्लॉक प्रमुख की सीट है, उसमें 1700 नामांकन हुए हैं, कैसे हुए हो नामांकन, वो क्या साले भाजपा के नामांकन है क्या? तो देखिए झूठ फैला के केवल अपनी कमी को छुपाना इसमें बंद करिए, देखिए इसमें सेल्फ एनालिसिस का समय, देखिए कि आप ट्विटर पे राजनीति को ट्विटर से बाहर निकालिए, अपने घर से निकल के कम से कम आजमगढ़ तो जाइए अखिलेश यादव, आपका बड़ा सा व्हाइट हाउस है जो लखनऊ में मैं देखता हूँ, उससे बाहर निकलिए, आजमगढ़ तक तो जाइए, तब आपको पता लगेगा कि स्थिति जमीन पे बिल्कुल अलग है। ठीक है ठीक है, अनुराग जी आप, क्योंकि ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब मुझे लगता है शायद आपको आवाज मिल रही हो। शांतनु जी ने कहा कि जब से अखिलेश जी आपने पार्टी की बागडोर संभाली है बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसका रीजन भी उन्होंने बताया कि वो अपने वाइट हाउस, आपने उनसे बात की, हमने उनसे बोला, वो तो देखो उनकी बात तो बीजेपी के एजेंट के रूप में आते हैं, छोटे नीचे लिखे रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, उनसे जो बात पूछी जाती है उसका जवाब नहीं देते, उनसे पूछो यहाँ हिंसा हो रही है तो पूछ दबा के चुपचाप हो गए, व्यक्तिगत हमला, ये व्हाइट हाउस, ये येलो हाउस, ये बेशर्म लोग हैं, ये शर्म बेच के खा गए हैं, महिलाओं की साड़ी उतारी जा रही है। अनुराग जी एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, एक मिनट रोक रहा हूँ, आप चारों लोग हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना, अनुराग जी आप ही के पास आऊंगा ब्रेक के बाद, सबसे पहले चारों मेहमान हमारे साथ रहिए और हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है क्या उसका रिफ्लेक्शन अगले साल के विधानसभा में होगा, क्या योगी के कामकाज का ये रिपोर्ट कार्ड सेमीफाइनल के रूप में देखा जाए, एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ शांतनु गुप्ता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। और अनुराग जी क्योंकि ब्रेक लेना पड़ा था आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अनुराग जी देखिए मैंने बोला कि आपने शांतनु जी से पूछा कि जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश की हालत, तो मैंने बताया कि इनके पास कोई वीडियो वीडियो हो तो बताए, पुराना नहीं बता पाए, हिंसा के बारे में आपने पूछा, हिंसा के बारे में नहीं बता पाए, घर बताएंगे, मकान बताएंगे, दरवाजा गिनाएंगे, गेट गिनाएंगे, सैफई गिनाएंगे, नेताजी गिनाएंगे, अखिलेश जी गिनाएंगे, लेकिन इनसे पूछो हिंसा जो उत्तर प्रदेश में हो रही है लगातार, इस तरह की जो दुर्दांत हिंसाएं देखने को मिली है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, बम और यहाँ गोलियां चरफाड़े, इसके पहले कभी इतनी दुर्दांत घटनाएं देखने को मिली इस प्रदेश के अंदर में, गुंडा राज, जिस तरह से यहाँ बीटीसी का अपहरण किया जा रहा है प्रयागराज में, जिस तरह से रिवॉल्वर लगा के लोग अंदर घुस जा रहे हैं, खींच रहे हैं, ये क्या, ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग चले गए महाभारत काल में, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वहां धृतराष्ट्र की तरह सत्ता पाने के नशे में, सत्ता पाने के नशे में उत्तर प्रदेश के योगी जी चुप बैठे हुए हैं, आवाज उठाने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं कि भाई नहीं है, हमें ऐसा चुनाव नहीं चाहिए जहां महिलाओं का अपमान होता हो, एक महिला का सम्मान जाता है तो वापस नहीं आता है, चाहे सीओ हो, चाहे एसडीएम, चाहे वहां डीएम एसडीएम को सस्पेंड करना चाहिए, वहां के आईजी डीआईजी को सस्पेंड करना चाहिए, सरकार को खुद सत्ता से हट जाना चाहिए, शर्म की बात नहीं है कि नहीं है? एक चीज आपसे, महिला का अपमान हो रहा है, आप वहां पे थाना पूर्ति करने में लगे हैं, ठीक है अनुराग, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अनुराग एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, राकेश त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव छोटा हो बड़ा हो हिंसा होती है, उन्होंने एक ऑफर भी दिया है, कहा है अनुराग, एक ऑफर दिया है, कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, जो बड़े नेता हैं, वो साथ में बैठे और एक एक ऐसा कंडक्ट बनाए कि इस तरीके की हिंसा आगे देखने को ना मिले, क्या आप उनके समर्थन में हैं अनुराग? आपको तुरंत कहना चाहिए था डिबेट में आप बैठने लायक नहीं है,
कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सरकार का काम होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। इनके मुख्यमंत्री कहते थे उत्तर प्रदेश से अपराधी छोड़ के भाग गए हैं, या तो जेल में है या जेल से निकलना नहीं चाहते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए, नहीं आसमान में ऊपर चले गए, ना पाताल लोक में चले गए। अरे सारे अपराधी यहीं घूम रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडे के रूप में, और सबसे ज्यादा तो पाए जाते हैं गोरखपुर में, और जो रहे बचे वो जिलों में गोलियां चला रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, महिलाओं की साड़ी खींच रहे हैं, यहाँ पे हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार, और यहाँ जिस तरह के अधिकारी इन्होंने जो अधिकारी इनके यहाँ काम कर रहे हैं वो इनके इनके साथ खुद ही मिले हैं, सुपारी लिए हुए हैं, वो खुद इनको जिताने के लिए क्या अपराधी से कम काम कर रहे हैं वो? डीएमएसपी जो काम कर रहे हैं जिस तरह का उनका कारनामे देखने को मिल रहा है, इनको क्या जरूरत है गुंडों? आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का अपराधी जिन्होंने अधिकारियों को ये कार्यभार सौंप दिया है, अनुराग डिमांड क्या है समाजवादी पार्टी डिमांड क्या करती है ये बताइए 30 सेकंड में अनुराग। समाजवादी पार्टी की डिमांड सीधी सीधी है, ये सरकार रहने लायक नहीं है, इस सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हुई है, महिलाओं का सम्मान खत्म हुआ, हर मुद्दे पे फैल हुई है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवकों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे चुनाव में जिस तरह से हिंसा देखने को मिली, ये अधर्मी सरकार है, इसका अधर्म का ये आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी 2022 में। ठीक है, आपको पता ठीक है, जनता जवाब देगी। ठीक है, अनुराग, अनुराग सर रिस्पोंड ले लीजिए। श्री कृष्ण आएंगे और अधर्मी का नाश करेंगे यहाँ पे, और धर्म की जीत होगी और अधर्म का नाश होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में, देख लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है साहब सीओ और डिप्टी एसपी सस्पेंड करने से बात बनेगी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की थी और आपसे चूक हुई है, आपको गलती माननी पड़ेगी। राकेश त्रिपाठी, देखिए हम किसी जवाबदेही जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन अनुराग भदौरिया की तिलमिलाहट देख करके स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव की पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे। देखिए जब आप चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल के तौर पर तो या तो विजय हासिल होगी या पराजय होगी, स्वीकार करना सीखिए। आप 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, ब्लैक रूकी हारे, स्थानीय निकाय हारे, आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। क्या है, मैं चुपचाप धैर्यपूर्वक अनुराग भदौरिया को सुनता हूँ, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ वैसे ही अपना जवाब वैसे ही दिखाई पड़ने लगती है, यही अराजकता। जैसी अराजकता बैठाने की बात करते हैं ऐसी ही अराजकता इन्होंने चुनाव में जगह जगह बनाने की कोशिश की है। किसी की भी आवाज ऑनियर नहीं जाएगी और जनता ये मान लेगी कि जैसा ग्राउंड पर हुआ है ब्लॉक प्रमुख चुनाव में वही टीवी डिबेट्स पर भी हो रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप ये क्लियरिटी रखिए कि भाई जो डिमांड आपने रखी है, अनुराग जी एक बार सुन लीजिए फिर आप ही रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए, सुनिए आपको आपको आज तक 4.5 साल में इन्होंने जवाब दिया क्या? ये कभी जवाब देते आप हैं दे क्या? रहे जवाब आप लेने नहीं दे रहे जवाब, कभी जवाब नहीं, जब वो जवाब दे रहे हैं तो आप मान नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं साहब हम भी बोलेंगे। आपने 30 सेकंड में एक जवाब मांगने की कोशिश करी है, एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठाया है, बीजेपी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। इन्हें केवल स्वप्न में आ रहा है, इनको स्वप्न में आ रहा है। देखिए राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले रामद्रोही आज बार बार कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं। आप गलतफहमी में मत रहो, आप गलतफहमी में मत रहो, भगवान राम का मान करके आप भगवान कृष्ण की पूजा कर लोगे ये चलेगा नहीं, क्योंकि जो राम है वही कृष्ण है। आप बार बार लोगों को कोशिश मत करो, आपकी अराजकता के चेहरे के आपके गुंडई के चेहरे को लोग भूले नहीं है, आपके गुंडई के अराजकता के हल्ला बोल के चेहरे को उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। और आप अभी भी जिस तरह के हल्ला बोल संस्कृति के नायक हैं, हल्ला बोल संस्कृति के खलनायक हैं, जिस तरह के आपको जनता माफ करने वाली नहीं है। आप कर लो कितना भी प्रयास गुंडागर्दी का, जनता ने खारिज किया है आपको, जिला पंचायत के चुनाव में भी, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी, और बुरी स्थिति है इसको स्वीकार करिए। अखिलेश यादव जी आत्ममंथन करें, एक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लगातार पार्टी पतन की तरफ गई है, चुनाव दर चुनाव लगातार आप चुनाव हारे हैं, उसके बावजूद आत्ममंथन करने के बजाय, चिंतन करने के बजाय अपने को जिलाध्यक्षों को हटा देते हैं। जिलाध्यक्षों को हटाने से चुनाव नहीं जीतने वाले, जिलाध्यक्षों को हटाने से आपके अंदर ऊपर जो गुंडागर्दी का टैग लगा है ये हटने वाला नहीं है। ये गुंडागर्दी, ये अराजकता बंद करिए, और ये टीवी डिबेट्स में भी हल्ला बोल करके अराजकता करके आप टीवी डिबेट्स को बंधक बनाने की कोशिश मत करिए। आप टीवी डिबेट्स को बंधक बनाने की कोशिश मत करिए, अराजकता मत फैलाने की कोशिश करिए, और बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी, बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। और अगर आपकी अपेक्षा है कि पुलिस की लाठी के दम पर ही ये सारी गुंडागर्दी नियंत्रित की जाए, तो
बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, संचरित की नीति के तहत ही इसका इलाज होगा। हमने तो प्रयास बार बार ये किया कि लोकतंत्र के अस्तित्व में सबको अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया जाए, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो। चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी जीतने लगती है इतना डेस्परेट होते हैं। फेसबुक पर इनके विधायकों ने लिखा है कि लाठी डंडे लेकर घर से बाहर आओ। इनके विधायकों ने, मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, बैजनाथ दुबे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने बकायदा इस बात के लिए अपील की लोगों से लाठी डंडे लेकर के आओ, हथगोले लेकर के बाहर आओ। एक एक चेहरा आइडेंटिफाई हुआ है, हर चेहरे को हमें पहचाना है। और आप परेशान मत होइए, 2022 के चुनाव में जनता की अदालत में भी इसका हिसाब होगा और कानून की अदालत में भी इसका हिसाब होगा। राक्षस रूपी सेना बचाने आए हो, प्रभु राम के नाम के बच्चों को, जिनको जिनके साथ अन्याय हो रहा उनको बचाने आए हो। ठीक है, ठीक है, रामद्रोहियों सर्व करो, सर्व करो रामद्रोहियों, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, कारसेवकों के खून से सरयू का रक्त का पानी लाल करने वाले, सर्व करो। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही बीच में है। एक बार अंशु अवस्थी के पास चलेंगे। अंशु देखिए, डिबेट भी देखिए आप, समाजवादी और भाजपा के बीच में है, चुनाव भी है, तो क्या मान लिया जाए कि जो 22 का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस कहीं नहीं है? अंशु आप देखिए, जो लड़ रहा है ग्राउंड पे भी, हमने जो तस्वीरें देखी वो समाजवादी पार्टी की ही लड़ते हुए देखी या भाजपा की देख ली, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मैं ये देख रहा था इस डिबेट में कि सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन बनाने की तैयारी की जा रही कि कैसे जो 8 तारीख को हिंसा हुई उसको जस्टिफाई किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार भी उसे जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। पूरी डिबेट उसी पर है कि वो राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये पिछली सरकार में हिंसा होती थी इसलिए चुनाव में हमारे यहाँ भी हिंसा हो रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता है कि लोगों को नामांकन न करने दिया जाए, लोगों की आवाज लोकतंत्र में दबा दी जाए। और दूसरा, दुशासन वर्ग बनकर दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार, और दुर्योधन बनकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का चीरहरण किया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ेगी। इस तरीके का जो जंगल राज पिछले 30 सालों में फैलाया गया इसी का नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा बड़ा वादा किया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, परिणाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी जेल के अंदर होंगे, अपराधी तो सड़कों पर गोली कट्टा लेकर भाजपा का झंडा उठाते घूम रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी यही उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसी रामराज्य की परिकल्पना करती है? ऐसा रामराज्य लोगों को नहीं चाहिए जहां पर महिलाओं को सम्मान मिलता हो। राकेश जी, मंदिर बन रहा है, रामराज्य कैसे आएगा? लोग कह रहे थे अब तो रामराज्य आने वाला है, योगी जी आ गए हैं, कैसे आएगा रामराज्य? राकेश जी, शांतनु गुप्ता और राकेश त्रिपाठी में कंपटीशन चल रहा है कि कौन भाजपा। देखिए, अंशु अवस्थी जी की आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए अंशु अवस्थी जी ने क्या कहा है? राकेश जी, अंशु अवस्थी ने कहा है क्या ऐसे ही आएगा रामराज्य? आज उत्तर रामराज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया है। राकेश जी, महिलाओं को सरेआम, ये तो एक घटना लखीमपुर की है। कम से कम जिन्होंने राम को काल्पनिक माना है उनको रामराज्य की कल्पना भी नहीं होगी। वो रामराज्य के बारे में पढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में आज जो अभ्यस्त अपराधी हैं, जिन्होंने संगठित अपराध, संगठित गिरोह के रूप में अपराध संचालित करते थे, रंगदारी वसूल करते थे, ठेके पर हत्याएं किया करते थे, अपहरण को उद्योग बना रखा था, आज उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों के मन में दहशत बैठाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर करके, ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज करके, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका तामिल करके हमने एक ऐसे अपराधियों के मन में दहशत बैठाई है। लेकिन आज इस पंचायत चुनाव के आधार पर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अराजकता, ये गुंडई, ये राम राज्य नहीं है, मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ, ये अभ्यस्त अपराधी नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ, ये हताशा निराशा में आकर के उठाए गए इस तरह के कदम है। और इन कदमों के पीछे, इस अराजकता के पीछे समाजवादी पार्टी के विधायक है, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के, विधायक विधायकों के तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया में इस समय सर्कुलेट हो रहे हैं और बहुत सारे आपके टीवी चैनल पर चल भी रहे हैं कि किस तरह से इनके विधायक इस बात के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लाठी डंडे लेकर के मैदान में आ जाओ। वास्तविकता में हार की हताशा को पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरह की अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि ये लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। जय हो या पराजय हो, उसको स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अवसरों पर जब जब पराजय हुई स्वीकार किया है। भाई,
कुछ स्थानों पर अभी भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने निर्विरोध सदस्य निर्वाचित किए हैं। क्या अगर हम गुंडागर्दी कर रहे होते, शासन के दम पर दबाना चाह रहे होते, तो एक भी स्थान पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती थी? ये संभव नहीं है। हमने ईमानदारी के आधार पर जो जनता ने अपेक्षा की है, जनता ने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं, उनके आधार पर ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन हो रहा है। ब्लॉक प्रमुखों के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिल रही है। इस बात से निराश और परेशान होकर के समाजवादी पार्टी लगातार अर्धता फैलाने का काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। मैं ये सारे सवाल नहीं उठा रहा हूं। राकेश जी, आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी, चुनाव को निरस्त करके आ रहा हूं। एक सवाल पूछ रहे हैं राकेश जी से। आपको हैसियत पता चल जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, आता हूं अंशु जी, आ रहा हूं। राकेश जी आपके पास भी आ रहा हूं। शांतनु जी के पास चलते हैं। शांतनु सर, जो तस्वीरें बोलेंगे, शांतनु जी तो राकेश त्रिपाठी से कंपटीशन कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, आपको पूरा मौका मिला है। बहुत देर हो गई है, नहीं गए शांतनु सर के पास। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट अवस्थी जी, आ रहा हूँ। अवस्थी जी एक मिनट, आ रहा हूँ। अंशु जी आ रहा हूँ। शांतनु सर देखिए, ये एक जो तस्वीरें हमने देखी, जीत हार किसकी होती है ये जनता तय करे, जनता ने जिनको चुना है उनके आगे वोट है, वो चूज करे, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जो विचलित करने वाली तस्वीरें आई हैं, उस पर आपका क्या टेक है शांतनु सर? नहीं, देखिए जो अनीता यादव, शायद महिला का नाम है, जिनके साथ वो जो घटना हुई, जो शायद ऋतु सिंह जी की प्रस्तावक थी, लखीमपुर में हुई, बहराइच में हुई, वो नहीं होनी चाहिए। अंशु जी एक मिनट दीजिएगा, एक बार जवाब ले लीजिए। आपको पूरा मौका दिया है, अभी फिर आपके पास आऊंगा, सिर्फ एक मिनट दीजिए, शांतनु सर से जवाब ले लीजिए। शांतनु सर बोलिए ना, तो मेरी आवाज आएगी ना आपकी आवाज आएगी। आप बोलिए शांतनु जी, बोलिएगा पूरा। देखिए, मैं पंचायत चुनावों को काफी समय से, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, बरेली में मेरा जन्म हुआ है, पंचायत चुनाव बहुत समय से देख रहा हूँ। आप हल्का सा देख लीजिए, 2010 पंचायत चुनाव हिंदी में टाइप करिए गूगल में, आपको बहुत सारी कितने लोग मरे, कैसे बम फूटे घटना आएगी। तो पंचायत चुनाव एक बहुत कॉन्टेस्टेड चुनाव होता है और उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हो पाती। जो मुझे इस समय अच्छी बात लग रही है कि कार्यवाही एकदम से हो रही है, कि जैसे ही जब पंसगवा गांव में कल का कांड होता है तो पूरा थाना, सीओ सब सस्पेंड हो जाते हैं। ब्रिज किशोर, यश वर्मा जो देखे गए स्क्रीन पे, वो पुलिस की हिरासत में ले लिए जाते हैं। तो ये है, और इसके आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी केस है मुझे दिख रहा है, जो मैं न्यूज फॉलो कर रहा हूँ लगातार सुबह, सब में कार्रवाई होनी चाहिए, वो भाजपा का रहता हो, चाहे सपा का हो, चाहे निर्दलीय हो। लेकिन हाँ, ये चुनाव बहुत कंटेस्टेड होते हैं। इसमें जो सुझाव मेरा रहेगा सारे राजनीतिक दलों से, कि जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, जो जिला पंचायत के चुनाव है, शायद ये अभी जनता से डायरेक्ट होने चाहिए, ना कि ये इनडायरेक्ट चुनाव हो। तो मेरे ख्याल से ये छोटी मोटी मारपीट है, वो भी बंद हो जाए। नहीं सर, एक चीज और आपसे, जो ठीक है चुनाव बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का जीत रही है रजत जी, लेकिन आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। एक मिनट दीजिए और ब्लॉक है शांतनु जी, जो ये तस्वीरें हैं, चाहे स्क्रीन पर आप महिला वाली तस्वीर देखिए, चाहे झड़प की तस्वीरें देखिए, क्या इससे आप निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में? शांतनु जी देखिए, अगर जो मेरे पास वीडियो आए हैं, बैजनाथ दुबे जी जो एक्स एमएलए हैं सपा के, वो कह रहे हैं कि लाठी डंडे ले आओ, अगर नहीं लाए हो तो मेरे यहाँ से ले लो। सुनील सिंह यादव जो करंट एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं इनकी हैसियत क्या है, ये कब से गुंडा ही हो गए, ये कब से गुंडागर्दी करने लगे, मतलब जैसे कोई कॉपी राइट है समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी करने में। अगर मैं बलिया के जो उनके नेता का वीडियो आप चलाएं, तो आपको 100 बीप चलाने पड़ेंगे बीच में, आप चला भी नहीं पाएंगे, जिस तरह की माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है, मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में और लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है गुंडागर्दी को। राजा भैया, विकास दुबे, गायत्री प्रजापति, मुख्तार अंसारी, जो लोग जेलों में होने चाहिए थे, तो विधानसभा और संसद में। ठीक है, ठीक है शांतनु सर, आज थोड़ी सी वक्त की कमी है, अंशु अब आपके पास नहीं आ पाया, माफी के साथ रुकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 2500 करोड़ की ड्रग्स के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 350 किलो हीरोइन भी जब्त की है। अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। 350 किलो हीरोइन जब्त हुई। आप ये देख रहे हैं, जो लोग ये तस्करी करते थे, इलीगल काम करते थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सबको गिरफ्तार किया है। तफ्तीश जारी है, रैकेट कहां तक चल रहा था, इन सब पर दिल्ली की स्पेशल सेल काम कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को
इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट्स के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। महीनों से चल रहे इस ऑपरेशन में एक रिकॉर्ड मात्रा में हेरोइन का सीजर हुआ है। टोटल हेरोइन सीज हुई है वो 354 किलो। ये हाई प्योरिटी की अफगान ओरिजिन की हेरोइन है और इसके अगर इंटरनेशनल स्ट्रीट वैल्यू लगाई जाए तो वो लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा की पड़ती है। जो चार लोग गिरफ्तार हुए हैं इनमें से एक अफगान नेशनल है, दो आदमी जो हैं जो अरेस्ट हुए हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं, गवर्नमेंट है। जो चौथा आदमी है वो कश्मीर का रहने वाला है। 2500 करोड़ रुपए की हीरोइन गिरफ्तार हुई और अब तक की सबसे बड़ी हीरोइन की खेप है। एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।